एवरीवन, तो आज मैं लगाऊंगी अरिका पाम के प्लांट। तो यहाँ हमारे पास देखिए, यहाँ मैं लाई थी 2 साल पहले, तो इसमें काफ़ी अभी ब्रांचेज निकल रहे हैं नए नए। देखिए तो इसमें 4 ब्रांच भी हैं, 4-5 ब्रांच, और यहाँ से 2, यहाँ से मैं इसको निकाल लूँगी। तो इसको निकालने के बाद दूसरी जगह लगा देती हूँ। वैसे तो गर्मी है लेकिन हवा में अभी नमी है, क्योंकि हमारे यहाँ आंधी तूफान ओले पड़े हैं, तो हवा में नमी है, मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ऐसे में मैं यहाँ से निकाल के इसको तो यहाँ से मैं ले चल के यहाँ पे अरिका पाम को यहाँ पे लगा देती हूँ। तो यहाँ की मिट्टी लेना भी ज़रूरी होता है, जहाँ पहले लगा हुआ था तो यहीं की मिट्टी थोड़ा वहाँ डाल देंगे। यहाँ पे हमने पौधे लगा रहे हैं दूसरे गमले में। तो यहाँ देखिए हमने लगा दिए, एक नया गमला तैयार हो गया, और इसमें मैं करूँगी वाटरिंग। तो लगाने के बाद मैं इसमें वाटरिंग कर दे रही हूँ। तो यहाँ हो गई वाटरिंग और हमारा एक नया प्लांट तैयार हो गया अरिका पाम का। और यहाँ पे देखिए ये स्नेक प्लांट है, इसको 6 महीने मैंने पहले लगाया था। तो ये देखिए यहाँ से ब्रांचेज नई नई निकलना शुरू हो गई हैं, और ये भी 6, ये 5 महीना पहले लगाई थी, तो अभी इसमें ब्रांच नई निकली है। यहाँ ओले पड़ने की वजह से देखिए ब्रांचेज टूट गई हैं, तो यहाँ से अभी 2-3 महीने के बाद ही निकलेंगे लगता है दूसरा प्लांट। तो इसमें तो निकल रहा है, ये 6 महीने हो गए, और यहाँ भी ये भी साथ में ही लगाई थी मैंने। तो यहाँ अभी एक ही पौधा निकला है यहाँ पे, और इसमें 2 निकले हैं साथ में। तो अभी इसमें उम्मीद है 2-3, 1-2 और निकलेंगे, इसमें भी एक और निकलेगा, कम से कम 3 तो निकलते ही हैं। और ये कौन सा पौधा है इसको मैं नहीं जानती इसका नाम। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है गमले में लगाने से। और यहाँ मैं छोटा सा जेड प्लांट भी लगा दी हूँ, तो जब बड़ा होगा तो कहीं और गमले में शिफ्ट करूँगी। छोटा है अभी जेड प्लांट। तो यहाँ से हमने देखिए लगा दिए थे, तो यहाँ की मिट्टी कर दूंगी बराबर। यहाँ से हमने निकाले हैं जो पौधे, तो ये मिट्टी हो गई बराबर, और थोड़ी सी कर दूंगी वाटरिंग इसमें। और यहाँ है हमारे कोलियस का पौधा, तो ये हमारे कोलियस का पौधा पुराना हो गया, तो सूख सा रहा है। तो यहाँ से निकाल के मैं यहाँ एक नया लगा देती हूँ कोलियस का पौधा, जिससे हमारा दूसरा पौधा तैयार हो जाए। तो देखिए कितना आसान है कोलियस को लगाना, ऊपर से प्रूनिंग करो और लगा दो। तो ये लग गया, और इसमें थोड़ी सी चाहिए वाटर, तो इसको हमने लगा दिए। और देखिए ये थोड़े से पहले के बच्चे हुए हैं कोलियस का पौधा, और ये है पत्थर चिट्टा जो हमने लगाए थे। और ये जो पाम है हमने यहीं से लगाए थे, यहाँ से ही निकाल के मैं 2 ब्रांच लगाई थी। तो फिर अभी और भी ब्रांचेज निकल आई, तो मैं अभी दूसरा गमला तैयार कर दी। तो 3 गमले हमने अरिका पाम के तैयार कर दिए, तो 1, 2 और ये 3 हमारे गमले। एक मैं नर्सरी से लाई थी, तो हमारे 3 तैयार हो गए।
गमले, और ये है सूजा। तो ये थूजा प्लांट हमने बोलते हैं कि जोड़े में लगाओ, लगाना चाहिए, जोड़े में लगाना शुभ होता है। तो हमने देखिए दो लगा दिए हैं जोड़े में थूजा, और इसमें इसके बीज फले हुए हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसके बीज देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप बोलते हैं कि काफ़ी शुभ होता है थूजा का प्लांट लगाना, तो इसको मोरपंखी भी बोलते हैं। तो और ये है स्नेक प्लांट जो हमने लगाए थे 8 महीने पहले, तो इसमें से 3-4 पहले 1 महीने लगाई तो इसमें 3 निकल आए ब्रांच। तो एक यहाँ से मैंने निकाल के एक और भी प्लांट हमने तैयार कर दिया नया, तो उसको नारियल के खोपरे में मैंने लगाया है यहाँ से निकाल के। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पौधा। और तो आपको कैसा लग रहा है मेरा ये जो हमने लगाया अपने प्लांट एरिया में जो ये सारे प्लांट, तो आपको लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमने जेट प्लांट लगाए हैं जो हमने कमरे में रखा है, तो ये है जेट प्लांट जिसको मैं दिन में रात में निकाल के रख देती हूँ बाहर, और दिन में इसको रूम में रख देती हूँ, दिन में रूम में रख देती हूँ। तो ये देखिए कितना कितना मतलब स्वस्थ है ये पौधा। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा ये पौधा। और देखिए हमने जो नारियल के खोपरे से लगाई हूँ यहाँ पे रखी हूँ अपने आंगन में, तो ये है पौधा जो हमने वहाँ से निकाल के लगाया है। तो ये पौधा है, तो ये छाया में भी चल जा रहा है, इस छाया में भी सरवाइव कर जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको देखिए हमने यहाँ पे ऐसे लगा दी हूँ, और नीचे इसमें ड्रेनेज होल भी है, तो यहाँ से पानी निकल के इसमें नीचे पानी स्टोर हो जाता है जो मैं डालती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।